स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं हम कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने कम्प्लीटली प्रीवियस टाइम से हम लोगों का साथ निभाते हुए आज हमको एक 50,000 की फैमिली बन चुके हैं हम, जिसमें 50,000 सिविल इंजीनियर्स हमारे साथ जुड़े हैं और अपने लर्निंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों इस खुशी के मौके पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि कैसे एक सिविल इंजीनियर की जो प्रॉब्लम है कि किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेशन नहीं कर पाते, किसी भी ड्राइंग्स को नहीं रीड आउट कर पाते, तो इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए ये जो टॉपिक रहेगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, साथ के साथ सिविल इंजीनियर्स के डिमांड पर ये टॉपिक आया गया, क्योंकि आज सुबह एक वीडियो आई थी मेरी जिसमें मैंने फाउंडेशन पार्ट को समझाया था, वहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर एस्टिमेशन बताइए हमें, बिल्डिंग का एस्टिमेशन कैसे होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कम्प्लीटली कि कैसे एक ड्राइंग को लेकर हम सॉल्व आउट करते हैं एस्टिमेशन शीट, कितने तरह की शीट्स हमें बनानी होती हैं, ये कम्प्लीटली इस वीडियो में तो बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जल्दी प्रेस कीजिए। साथ के साथ यदि आपको कुछ और भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर ओपन की मैंने एक ड्रॉइंग जिसमें आप लोग देख रहे हैं लेआउट प्लान ऑफ फुटिंग एंड कॉलम। इस फुटिंग में हमें लेआउट प्लान दिया हुआ है, प्लान मतलब होता है टॉप व्यू, और यहां पे कॉलम के साइजेस और फुटिंग के कुछ साइजेस दिए गए हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है और साइड में एक टेबल दी गई है। यहां पे कुछ जानकारी होती है जो सिविल इंजीनियर्स को सबसे पहले जब भी वो ड्राइंग को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो टेबल दी गई है इसको रीड आउट जरूर करें। देखिए मैं मानता हूं एस्टिमेशन का टॉपिक बहुत बड़ा है टॉपिक है, तो इसके लिए हमने इसको कंप्लीटली यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं था ये कंप्लीटली हमें अपलोड करना, इसके प्रॉपर लेक्चर्स करीबन 65 लेक्चर्स हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के केवल एस्टिमेशन पार्ट में रखे हैं। देखिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो है वो कंप्लीटली सिविल गुरुजी के एप्लीकेशन और साथ में www.civilguruji.com पर अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीटली 65 लेसंस के द्वारा मैंने इस प्लान को पूरा सॉल्व आउट करना सिखाया है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां लिखा है ड्राइंग शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद रेलिवेंट आर्किटेक्चर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब ये जो ड्राइंग है आपकी ये जब रीड करेंगे तो आर्किटेक्चर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन ड्राइंग के आधार पे यहां पे डाटास गिवन है आप लोगों को, और साथ में ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। देखिए समझिए कि यहां पर आप लोगों को कुछ डाटा दिए गए हैं, जैसे 2000 हो गया, 1800 बाय 1800 हो गया, 1500 बाय 1500, 250, 150, 100, 250, 400 का कॉलम दिया गया, तो ये सभी डायमेंशन किस में दिए गए हैं, mm में दिए गए हैं। देखिए जनरली ड्राइंग में जो डाटा देते हैं आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये जनरली जो डाटा देते हैं mm में हमें डाटा दिया जाता है, जनरली मैक्सिमम केसेस की मैं बात कर रहा हूं, मतलब सभी आपको जो डायमेंशन दिए गए हैं वो mm यूनिट में दिए गए हैं। जब तक उसको दूसरी यूनिट में नहीं मानना है तब तक उसके पीछे कोई और यूनिट दी नहीं हो, जैसे कहीं पे हो सकता है मीटर दे दें कि ये 400 है, 400 को 0.4 मीटर बोलते हैं, तो हो सकता है 0.4 मीटर इसको लिखें तब इसको मानना है। अगर यूनिट नहीं है किसी के पीछे तो आपको mm ही कंसीडर करना रहेगा। ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड एंड द ड्राइंग्स आर नॉट टू बी स्किल्ड। मतलब ये जो रिटन डायमेंशन है जैसे यहां पे 2300 लिखा है तो रिटन डायमेंशन आपको फॉलो करनी है, ये नहीं कि यहां से यहां तक कि कितना दूरी है, ये दूरी पहले से डिसाइड हो चुकी है तो आपको वही रिटन डायमेंशन क्या करनी है फॉलो करनी है पूरी ड्राइंग के लिए। आगे लिखा डेविएशन इफ एनी टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन। मतलब कि आप जब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उससे पहले यदि आपको स्ट्रक्चर में किसी तरह की दिक्कतें लग रही हैं तो आप कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप स्ट्रक्चर इंजीनियर से मीटिंग कर लें, जिसकी सहायता से आप उस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। ग्रेड ऑफ आरसीसी शैल बी M25। मतलब इस पूरी बिल्डिंग में जहां भी कॉन्क्रीट आएगा, जहां भी आरसीसी के मेंबर्स आएंगे जिनको हम फुटिंग कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस बोलते हैं, वहां पर आपको कॉन्क्रीट का ग्रेड लेना है M25। देखिए M25 मतलब M मतलब मिक्स होता है, 25 मतलब, देखिए बहुत से इंजीनियर से मैं पूछता हूं कि 25 मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं सर 25 उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। देखिए इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक प्रोफेशनल वे में आंसर करना होगा। 25 मतलब आप पूरा आंसर दीजिए यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज 25 न्यूटन पर mm² एट 28 डेज। 28वें दिन पे मिलने वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, 25 न्यूटन पर mm² रहेगी। ये आंसर आप लोगों के होने चाहिए एक इंटरव्यूअर के सामने। आगे लिखा रेनफोर्समेंट शैल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ऑफ ग्रेड FE 415 और 500 कंफर्मिंग टू IS कोड 1786 जो कि 1985 में पब्लिश हुआ है। देखिए रेनफोर्समेंट, देखिए यहां पे वर्ड जरूर सुनिए, जब हम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो हम कॉलेज टाइम में अलग अलग ग्रेड पढ़े हैं, FE 250, FE 415, FE 500 अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। FE 250 मतलब जो माइल्ड स्टील होता है, जैसे वो प्लेन बार जिसको बोलते हैं, आजकल उसको यूज नहीं किया जाता कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आजकल हम जो यूज करते हैं 415, 500 जो कि HYHD बार होती है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार होती है जिसके ऊपर रिप्स बने रहते हैं।
रहते हैं, वो रिब्स क्या करते हैं हमारे कॉन्क्रीट के साथ बॉन्डिंग करते हैं। अब जब कॉन्क्रीट के साथ बॉन्डिंग होगी तो अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा हमें, तो इसलिए 415-500 एफई ग्रेड का यहाँ पे बार हम यूज कर सकते हैं। आगे लिखा क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोस, कॉलम के लिए 40 mm, फ्लोर बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 20 mm। देखिए यहाँ पर क्लियर कवर समझिए, आपके आईएस कोड 456 ने केवल दो ही कवर के बारे में जानकारी दी है। वो दो कवर के बारे में क्या जानकारी, एक तो नॉमिनल कवर और दूसरा इफेक्टिव कवर। नॉमिनल कवर मतलब जैसे आप लोग कॉलम को देख रहे हैं तो कॉलम में ये स्टीरअप है, यहाँ पे बार्स लगी हुई है ये, और ये आउटर फेस है। तो ये स्टीरअप के आउटर फेस से इस कॉलम का जो डिस्टेंस है, ये कॉलम का जो आउटर फेस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं नॉमिनल कवर। लेकिन ये अंदर जो मेन रेनफोर्समेंट आपको इस सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये है मेन रेनफोर्समेंट। ये मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से कॉलम के आउटर फेस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव कवर। लेकिन आईएस कोड ने केवल दो ही कवर के बारे में जानकारी दी, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, हमने और भी कवर के बारे में निकाल दिया। साइट पर जनरली हम जब देखते हैं तो क्लियर कवर के बारे में जानकारी मिलती है, क्लियर कवर लगाना है, तो नॉमिनल कवर को ही क्लियर कवर बोला जाता है। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, नॉमिनल कवर जो होता है उसको ही हम क्लियर कवर बोलते हैं। अब यहां पर जो मिनिमम दिया है आईएस कोड ने स्पेसिफिकेशन में, जो मिनिमम दिया है वो फुटिंग के लिए 50 mm। देखिए 50 mm मतलब क्या हो गया, मिनिमम, इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे ऊपर जरूर जा सकता हूं। अब आपकी ड्रॉइंग में हो सकता है 60 mm भी दिया हो, लेकिन आप कहेंगे सर ने तो 50 mm बताया, तो 50 mm क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम एज पर ड्रॉइंग जाएंगे, लेकिन उससे कम नहीं होगा। कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 20 mm का हम कवर यूज करते हैं। इसके बाद कह रहा है फिनिश ग्राउंड लेवल हैज बीन कंसीडर्ड 0 mm परफेक्ट, मतलब हमें जो ग्राउंड लेवल है वहां से सारी जो मेजरमेंट रहेंगी 0 पे रहेंगी, उससे नीचे हम माइनस में जाएंगे, उससे ऊपर प्लस में जाएंगे, हम जो भी कंसीडर करेंगे लेवल का। इट इज डिजाइन फॉर S+1 स्ट्रक्चर। देखिए S+1 स्ट्रक्चर मतलब ये दो फर्स्ट फ्लोर तक के लिए यहां पर क्या हो रहा है, कास्ट करेंगे हम इसको। अनलेस नोटेड अदरवाइज द मिनिमम लैप डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार ऑफ द डायमीटर डी शैल बी एज फॉलो। देखिए डेवलपमेंट लेंथ के बारे में भी जानकारी यहां पर मिलती है। एक क्वेश्चन जरा समझिए, डेवलपमेंट लेंथ बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं यहां पर, कि डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आईएस कोड 456 ने दिया है। उस फॉर्मूले को जरूर याद कीजिएगा, LD इज इक्वल्स टू सिग्मा फाई अपॉन 4 tau BD। देखिए ये एक फॉर्मूला जो आईएस कोड 456 ने दिया, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें डेवलपमेंट लेंथ का यही फॉर्मूले से ड्राइव करके हम ये जानेंगे कि अलग अलग इस बार्स के अकॉर्डिंग हम कितना डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ निकालना भी आप लोगों को आना चाहिए, ये भी मैं कंप्लीटली यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। लेकिन इस ड्रॉइंग में कहा है कि टेंशन मेंबर रहेगा तो आपको 50D कंसिडर करना है, कंप्रेशन मेंबर रहेगा तो आपको 38D यूज करना है। ये कंप्लीटली इस ड्रॉइंग का कुछ डाटा था जो कि मैंने आपको रीड आउट करना सिखाया। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि यहां पर आप लोगों के लिए मैंने एक फुटिंग यहां पर लेकर आया हूं मैं। तो देखिए फुटिंग का ये है आपके लिए टॉप व्यू, जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है टॉप व्यू, जिसको प्लान बोलते हैं, कि प्लान में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। ये अंदर का जो भाग दिख रहा है आपको ये फुटिंग है, और जो बाहर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा पोर्शन है ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका PCC वाला पार्ट। और ये डिस्टेंस भी कुछ होता है, डिस्टेंस कितना देते हैं हम 100 mm का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसा कि आप इस सेक्शन में देखेंगे। देखिए सेक्शन इसी ड्रॉइंग का सेक्शन है, ये जो आप प्लान देख रहे थे उसी का सेक्शन, ये जो एक्स्ट्रा एरिया निकला हुआ देखिए PCC की है यहाँ पर, तो PCC एक्स्ट्रा निकला है। सेम यहाँ भी अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो एक्स्ट्रा निकला हुआ है यहाँ पर। जो नीचे पार्ट देखेंगे फुटिंग ये हमारी, तो फुटिंग है ये ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। आज सुबह एक वीडियो लाए थे जिसमें हमने बात किया था कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग फाउंडेशन के बारे में, उसमें कंप्लीटली मैंने अलग अलग फाउंडेशंस के बारे में आप लोगों को बताया था, तो एक बार जाकर उसको वॉच कीजिएगा। और साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जो कि सिविल गुरुजी कराते हैं उसका एक वीडियो, जो कि फुटिंग कॉन्क्रीट, इस ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी उस वीडियो के लिंक में मैंने दिया हुआ, और इस वीडियो के लिंक में भी मैं उन्हीं सभी वीडियो का लिंक देने वाला हूं, तो आप जाकर जरूर देखिएगा उन वीडियो को। साथ में मैं एक चीज यहां पर बताने वाला था कि आप लोगों को कि ये ट्रेपेजॉइडल जो फुटिंग है ये दो पार्ट में कास्ट हुई है, सबसे पहले रेक्टेंगल देन उसके ऊपर ये स्लोप बनाए गए हैं, और ऊपर जो 100 mm देख रहे हैं वो क्या है कि ये जो कॉलम निकला, कॉलम के बाद ये 100 mm आपका फ्लैट रहेगा, जैसे कि कॉलम है, कॉलम के बाद ये 100 mm क्या है आपका फ्लैट रहेगा, ये देखिए फ्लैट है आपका ये, तब बनता है ट्रेपेजॉइडल का टॉप पार्ट। अब देखिए यहां पर F1 और F2 दो तरह की फुटिंग है, 1800x1800 उसका डायमेंशन, देखिए 1800 मतलब ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन 1800x1800, दूसरी फुटिंग का ये 1500 और ये यहाँ पर भी 1500 रहेगा y डायरेक्शन। इसके बाद D1 और D2, जरा समझिए D1 और D2 है क्या, देखिए रेक्टेंगल की डेप्थ को बोला गया है D1 और ट्रेपेजॉइडल की डेप्थ को बोला गया है D2। ये इस ड्रॉइंग में हमें डेप्थ कंसिडर करवाया हुआ है कि कैसे हमें डेप्थ को कंसिडर करना है। इसके अलावा रेनफोर्समेंट की जानकारी भी दी गई है कि RA और RB, देखिए RA मतलब x डायरेक्शन में लगने वाली बार जो रहेंगी फुटिंग में, तो 12 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो साइन है आपका फाई का, इसका मतलब होता है डाया,
एट द रेट मतलब स्पेसिंग, कितना स्पेसिंग 150 सीसी मतलब सेंटर टू सेंटर, मतलब बार की जब भी हम स्पेसिंग की बात करते हैं तो सेंटर टू सेंटर लगाते हैं। सेम हमें आरबी में भी सेम 12 डाया 150 सेंटर टू सेंटर दिया गया है। एफ टू फुटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग 170 हो गई लेकिन डाया और बार सेम रहेगा, सेम यहाँ भी आरबी में स्पेस इंक्रीज हो गई है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया था ड्राइंग का, इस कंप्लीट डिटेल को मैंने अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो रखा है। साथ के साथ यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ कि एस्टिमेशन शीट बनाना होता है हमको। ये एस्टिमेशन शीट आपके जो ना कंप्लीटली आइटम वाइज के हिसाब से बनते हैं। जितना मैंने अभी आपको ड्राइंग रीड आउट कराया उसके माध्यम से हम ये साइट क्लीनिंग वाले पॉइंट से लेके हम 9th पॉइंट जो कि बैक फिलिंग है यहां तक अपना क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में कंप्लीटली एक एक पॉइंट को यहां पे मैं सिखाता हूं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। इसी तरह की ड्राइंग केवल ये तो 9 पॉइंट तक जो आपने अभी देखा बैक फिलिंग इसी तक के लिए ड्राइंग है, लेकिन और भी ड्राइंग्स लगती हैं जिनके माध्यम से आगे हम ये पूरा एस्टिमेशन बनाते हैं। आप लोग देखेंगे एस्टिमेशन में कितने सारे पॉइंट देखे, फर्स्ट नंबर से मैंने कंसीडर किया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, इसलिए 65 वीडियोस अपलोडेड है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। करीबन देखिए आप लोग यहां पर 56 नंबर पे पहुंच गया, अभी भी एस्टिमेशन खत्म नहीं हुआ। 59 पॉइंट तक विंडो ग्रिल तक मैंने यहां पे सॉल्व आउट करना सिखाया अपने इंजीनियर्स को जो भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में ज्वाइन है। एब्स्ट्रैक्ट शीट आप लोग देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं फिर इसका, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट के बाद बिल ऑफ क्वांटिटी कंप्लीटली कि बिल कैसे बनाया जाता है, बिल ऑफ क्वांटिटी की शीट्स। तो इसी पार्ट को मैंने कंप्लीटली अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो रखा ही है। इसके अलावा आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि सिविल गुरुजी एक इसी चीज को आसान करने के लिए, देखिए इसको बनाना तो जरूरी है, हमें डिटेल्ड में एस्टिमेशन करना तो बेहद जरूरी है, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते अपनी लाइफ में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हमें पता ही नहीं होगा। हमें पता ही नहीं होगा कितने तरह के टाइल्स लगते हैं, कितने तरह के गिलास, गिलास का हम कैसे निकालेंगे, ये एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम है, मैक्सिमम इंजीनियर्स नहीं जानते यार इसको एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम को। मैं वीडियो जरूर लाता हूं इसके लिए, लेकिन कंप्लीट डिटेल में आप लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में हमने रखा हुआ है वीडियो। इसके अलावा कैसे एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी डिटेल्ड एस्टिमेशन शीट बना सके, इसलिए हम क्विक बिल्डिंग एस्टिमेशन कोर्स लाए थे। और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में तो आपको कंप्लीटली एस्टिमेशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा कंप्लीट बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग इंजीनियरिंग, क्वांटिटी सर्वे, सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, ई टैप्स, एमएसपी, ये कंप्लीटली अवेलेबल था। अगर इस कोर्स में आपको ज्वाइन होना है तो देखिए घबराइए मत, आप लोगों के लिए एक भारी डिस्काउंट भी अवेलेबल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीटली उसके बारे में डिटेल में है कैसे आप डिस्काउंट के माध्यम से आप इजीली इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और एक चीज यहां पर समझिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक वीडियो है जिसमें मैंने सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बताया, एक वीडियो जिसमें मैंने फाउंडेशन की डिटेल बताई है, एक वीडियो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की ही एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर जरूर देखिएगा आप लोग कि कैसे आप लोगों की लर्निंग इंक्रीज हो सकती है इन सभी वीडियोस से, क्योंकि ये वीडियोस कभी भी किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे आप लोगों की लर्निंग बढ़ती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं और ऐसे ही आप लोगों के लिए टॉपिक लाता रहूंगा, तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।